सबसे पहले तो राम 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 भाई, सारे भाइयों को मैं राकेश बघेल स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल DTC इन्फॉर्मेशन पर। दिल्ली में 3 दशक बाद फिर चलेंगी डबल डेकर बसें, जान लेते हैं क्या है खबर। ये अखबार जो है दैनिक जागरण का 22 दिसंबर 2022 का है, तो इस वीडियो का क्रेडिट भी जो है दैनिक जागरण को जाता है। दिल्ली में 3 दशक बाद फिर चलेंगी डबल डेकर बसें। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर डबल डेकर बसें दिखाई देंगी। नए साल में 25 डबल डेकर बसें चलेंगी। इन बसों में दोनों मंजिलों पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। फिलहाल इन बसों को रिंग रोड से संबंधित रूट पर चलाने की योजना है। इससे पहले जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण कर इन बसों का रूट तय किया जाएगा। सर्वेक्षण में डबल डेकर बसों के लिए बगैर अवरोध वाली सड़कें चिन्हित की जाएंगी। दिल्ली की सड़कों पर करीब 32 साल पहले तक DTC द्वारा डबल डेकर बसों का संचालन किया जाता था। अगले वर्ष होने वाली G20 बैठक को ध्यान में रखते हुए फिर से इन बसों को चलाने की तैयारी है। इससे विदेशी अतिथि भी इन बसों का आनंद ले सकेंगे, साथ ही दिल्ली की परिवहन व्यवस्था की एक अच्छी छवि सामने आएगी। इसलिए बंद हुई थी सुविधा बसें। दिल्ली में 1989 तक डबल डेकर बसें चल रही थीं। तब दिल्ली परिवहन निगम DTC दिल्ली नगर निगम के अधीन हुआ करता था। तब डबल डेकर बसों को सुविधा बसें कहा जाता था। डीजल बसों पर पाबंदी के बाद DTC ने इन्हें बंद कर दिया था। CNG बसें आने पर फिर से डबल डेकर बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया, क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत कम थी। इसी वजह से इन बसों में सवारियां भी कम बैठती थी। इसके अलावा डबल डेकर बसों के रूट भी कम हो गए थे। जिन रूट पर अधिक बसों की ज़रूरत थी वहां बिजली के तारों व अन्य अवरोधों की वजह से इनका संचालन संभव नहीं था। कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं चली डबल डेकर बसें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए फिर से डबल डेकर बसें चलाने पर चर्चा हुई थी। 2008 में पर्यटन की दृष्टि से ओपन डबल डेकर बसें चलाने की योजना बनी थी। इसकी ऊपरी मंजिल खुली रखी जानी थी। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओपन डबल डेकर बसों पर सहमति नहीं बन सकी थी, लिहाजा योजना को स्थगित कर दिया गया था। अब G20 बैठक को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से डबल डेकर बसें चलाने की योजना बना रही है। तो बस यही खबर थी।